मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे पेश भी किया जा सकता है। हालांकि इसमें कई पेज भी हैं। दरअसल इसमें प्रावधान किया गया है कि अब अफसरों और कर्मचारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला विभागीय मंत्री और जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ही होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों पर से 20 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ही बैन हटेगा। खबर तो ये भी है कि कैबिनेट सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों को ही मंजूरी देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग के तबादले इस ड्राफ्ट में शामिल ही नहीं है, यानी मध्य प्रदेश के शिक्षकों को फिलहाल तो इस ट्रांसफर पॉलिसी से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए जानते हैं नई तबादला नीति में किस विभाग के लिए क्या प्रोसेस रहेगी। डीएसपी और उनसे बड़े पुलिस अफसरों के ट्रांसफर के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्देश और विभागीय मंत्री का अप्रूवल लेना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही ट्रांसफर हो सकेंगे। वहीं जिले के भीतर डीएसपी से नीचे के पुलिस अफसरों के ट्रांसफर का फैसला पुलिस स्थापना बोर्ड लेगा। इसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद आदेश जारी किए जाएंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का ट्रांसफर मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी करेगा। वहीं जिले के अंदर कलेक्टर और प्रभारी मंत्री से विचार विमर्श कर डिप्टी कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर के ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ट्रांसफर के लिए भी कलेक्टर को प्रभारी मंत्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी जिलों में 3 साल पूरा कर चुके हैं उनका दूसरे जिलों में ट्रांसफर राज्य सरकार करेगी। अगर पति पत्नी एक साथ ट्रांसफर का आवेदन देते हैं तो उनके तबादले किए जा सकेंगे, लेकिन प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से नियुक्ति की जगह तय होगी। इसके अलावा कोर्ट के फैसले, खाली पदों को भरने, गंभीर शिकायतें, प्रमोशन और प्रतिनियुक्ति से वापसी के मामलों में संबंधित विभाग फैसला करेगा। नई ट्रांसफर नीति के मुताबिक जिन जिलों में लिंगानुपात कम होगा वहां महिला अफसरों की पोस्टिंग को प्रमुखता दी जाएगी। ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो एक साल या उससे कम समय में रिटायर हो रहे हैं उनका तबादला नहीं किया जाएगा। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।